अफगानिस्तान एक लोकतांत्रिक देश, लेकिन आज इसकी ये दशा होगी किसने सोचा था। धर्म के नाम पर यूं कत्लेआम होगा और इंसानियत को रौन दिया जाएगा, किसने सोचा था। हेलो, हाँ भाई। नहीं यार, पता है मुझे पता है, मैंने देखा है। नहीं, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दीदी इंडियन एम्बेसी गई हैं और यहाँ की जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो काफ़ी मदद कर रही है। तुम जल्द ही इंडिया में होगे, ये मेरा वादा है। नहीं यार, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ। हम लोग पूरी पूरी कोशिश करेंगे और इस बार का रक्षाबंधन तुम इंडिया में मनाओगे, हमारे साथ, हम लोगों के साथ, हर बार की तरह। तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नहीं यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात। तुम जहाँ हो वहीं पे रहना, कहीं भी बाहर मत जाना, ये मेरा वादा है। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम लोग रक्षाबंधन में मिल रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो। हेलो, ये फ़ोन कैसे कट हो गया यार। अरे यार, कहीं कुछ नहीं। किसी देश में अन्य कई देशों के नागरिक यूं फंस जाएंगे, आखिर किसने सोचा था। धर्म के नाम पर यूं इंसानियत को आतंकवाद कब तक रौंदेगा। रुक गए, कहाँ जा रहा है? निजात, कहाँ जा रहा है सर? सर मुझे एयरपोर्ट जाना है, मैं इंडिया जाऊंगा, मुझे जाने दीजिए। फौज एयरपोर्ट के अंदर है, बाहर नहीं, समझा? चल निकल। हम तो यहाँ परिवार की रोजी रोटी के लिए काम की तलाश में आए थे, पर किसने सोचा था कि इस साल अपनी बहन के हाथों से राखी बनवाने के लिए रक्षाबंधन पर घर वापसी भी इतनी मुश्किल होगी। और कितने ही लोग घर पहुंचेंगे भी या नहीं, किसे मालूम था।